जैसा आप सभी को ज्ञात है, यूडीआईडी कार्ड भारत सरकार की वह विशिष्ट योजना का भाग है जिसमें दिव्यांगजनों को अधिक से अधिक सशक्त बनाने हेतु, दिव्यांगजनों को अधिक से अधिक समर्थ बनाने हेतु, सरकारी एवं गैर सरकारी स्तरों पर उन्हें सेवाएं प्रदान करने हेतु एवं विभिन्न प्रकार के जनपदीय स्तर पर प्रदान किए जाने वाले दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को कैसे एक राष्ट्रीयकृत प्रक्रिया में बदला जाए, कैसे दिव्यांगता प्रमाण पत्र को एक यूनिवर्सल डिजाइन के अंतर्गत रखा जाए और सभी दिव्यांगजनों को अपना प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त हो सके, उनके प्रमाण पत्र की वैधता, उनके प्रमाण पत्र को कैसे नेट बेस्ड करके हम उन तक पहुंचाएं, इस भाव को देखते हुए भारत सरकार द्वारा यह अक्सराहनीय योजना लाई गई और यह हमारे दिव्यांगजनों तक अपनी पहुंच बनाने में सफल तथा उन्हें उनके दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान करने में बहुत सहयोगी होती जा रही है। आप सभी जितने दिव्यांगजन हमारे बीच जुड़ रहे हैं सभी इस बात से परिचित होंगे, विभिन्न प्रकार की राज्य सरकारें विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं में एवं सरकारी एवं गैर सरकारी सेवाओं के लिए यूडीआईडी कार्ड का मांगा जाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप बस में यात्रा करते हैं, अगर आप और किसी सरकारी सुविधाओं से अपने को युक्त करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र का वह यूनिवर्सल डिजाइन कार्ड हो जिसको भारत सरकार यूडीआईडी कार्ड स्वावलंबन कार्ड के नाम से हमारे आपके बीच ले आई है। एक ऐसा कार्ड जिसको लेके चलना आसान, एक ऐसा कार्ड जिसको कैरी करना और कहीं भी किसी भी परिस्थिति में डिजिटल रूप में उसका प्रदर्शन करना बहुत ही आसान। बस में हमारा कोई दृष्टिबाधित भाई जा रहा है, श्रवण बाधित भाई जा रहा है, बहन जा रही है, वह आसानी के साथ कार्ड की प्रति को अपने साथ ली है नहीं ली है। अगर हम डिजी लॉकर में इस कार्ड को रखे हुए हैं तो कहीं भी हम बस में या कहीं भी यात्रा करते हुए डिजी लॉकर से कंडक्टर साहब को अथवा सेवाओं में मांगे जाने वाले डॉक्यूमेंटेशन में प्रिंट आउट करा करके या उस दौरान मांगे गए अधिकारी पदाधिकारी द्वारा उन तक पहुंचाने में सहजता और समर्थता ला सकते हैं। हमारे बीच आदरणीय श्री रमेश पांडे सर निदेशक सीआरसी लखनऊ जुड़ चुके हैं। मैं सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के इस बहुविशेष प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय श्री रमेश पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? जी सर। कमलेश साहब जुड़ गए हैं क्या कार्यक्रम में? जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारी टीम पर, कमलेश साहब आपको भी हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी लखनऊ के हैं और बहुत सौभाग्य की बात है कि आप इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। कमलेश साहब, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने मंत्रालय की तरफ से, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, अपने विभाग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से, अपने राष्ट्रीय संस्थान, अपने सीआरसी के सभी अधिकारी कर्मचारी बेनिफिशरीज और जो पार्टनर है हमारे, तो सबके तरफ से आपका बहुत स्वागत करता हूं। मेरा आभार और शुभकामनाएं विकास जी के प्रति भी है क्योंकि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव पर आज ये कार्यक्रम रखा है और मुझे उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि आपने कमलेश जी को आज मुख्य अतिथि बनाया है और कमलेश जी की सहृदयता है कि उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकार कर आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े भी हुए हैं। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कमलेश साहब की, मैं इसके पहले गोरखपुर सीआरसी में था और यहाँ आकर हर जगह मेरा बहुत फर्म बिलीव रहता है कि बिना कन्वर्जेंस के, बिना स्टेट के सपोर्ट के और बिना स्टेट के साथ मिले, अगर आप साइलो में होके कोई कार्यक्रम चलाते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे, तो उसका बहुत अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता है। ये एक विषय मैंने बहुत नज़दीक से देखा है कि अगर आपको दिव्यांगजनों तक सही मायने में पहुंचना है, जो आपकी फैसिलिटीज स्कीम्स हैं उसको अगर आप सही मायने में ग्रास रूट लेवल तक, रूरल फार फ्लंग एरियाज तक, नीडी पॉपुलेशन तक पहुँचाना चाहते हैं, स्टेट के साथ कोलैबोरेशन बहुत महत्वपूर्ण है
और उस क्रम में ये जो हमारे आज के कार्यक्रम के समन्वयक हैं राजीव जी, सविता जी, नागेश पांडे और पंकज आर्या, आप सबके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने लखनऊ के ही अधिकारी के साथ कोलाबरेट करके ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उनको अतिथि बना के ये कार्यक्रम कर रहे हैं। यूडीआईडी विषय ऐसा है जिसपे ऑफिशियली अनऑफिशियली पिछले मुझे लगता है सालों से विकास मिश्रा सीआरसी की तरफ से लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं कि कैसे कार्ड बनाया जाए, पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या ज़रूरत है, टेक्निकल असिस्टेंस वो हमेशा प्रोवाइड कर रहे हैं। और मुझे लगता है ही इज़ द राइट पर्सन इस प्रोग्राम के लिए कि वो अपनी स्पीच दे। मेरी एक और सलाह है विकास जी और सारे कोऑर्डिनेटर्स, अगर आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों ने जब भी ये प्रोग्राम अनाउंस किया उसके बाद से मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आए और वो चाहते हैं कि ये आप दो और व्यवस्थाएं इस संबंध में करिए। पहला कि यूडीआईडी कार्ड बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको आप लोग रिकॉर्ड करिए, पहले भी आप कर चुके हैं मुझे पता है, या नई रिकॉर्डिंग आप करिए और उसको साइन लैंग्वेज में डेवलप करके वाइडली उसको सर्कुलेट करिए, जिससे हमारे डेफ पॉपुलेशन तक वो ज्यादा से ज्यादा चीजें पहुंचे और वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए। दूसरा, हम अगर उस पूरी इंफॉर्मेशन को ब्रेल में डेवलप कर लेते हैं और ब्रेल में डेवलप करके, चूंकि आज कमलेश साहब भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और अगर हम उनके ऑफिस में ही कुछ 150 प्रतियां रखवा दें और इस तरह की जो हमारे ऑफिसर्स हैं जहां पे हमारे दिव्यांगजन फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं, अगर उनके ऑफिसेस में भी हम वो प्रतियां रखवा दें तो निश्चित रूप से हमारे जो दृष्ट दिव्यांग बच्चे हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा, वो पढ़ पाएंगे। तो ये दो मोड में अगर हम लोग इस पूरी कम्युनिकेशन को, इस पूरी नॉलेज को अगर हम लोग डिसिमिनेट कर पाए, डेवलप कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ऐसा बहुत जल्दी ही करेंगे और मुझे ये भी पूरी उम्मीद है कि जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के ऑफिस से जो सहयोग सीआरसी को मिलना चाहिए वो हमेशा मिलता रहेगा। आप मुझे ये भी उम्मीद है कि आपके जनपद के साथ कोलाबरेशन में हम लोग सारे कार्यक्रम आगे भी करते रहेंगे और जो भी हमारे सीआरसी की तरफ से हो सकता है उसके लिए कमलेश साहब आप मुझे रात में अगर 12 बजे भी टेक्स्ट कर देंगे तो मैं 24/7 हमेशा सेवा के लिए खड़ा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप सभी लोगों को मैं फिर से इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं कमलेश साहब का फिर से स्वागत करता हूँ, जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वचन हमारी प्रेरणा है। जैसा आपने सुझाव दिया सर, यूडीआईडी कार्ड के लिए हम एक नवीन और एक ऐसे वीडियोस को सभी के बीच सब तक पहुंच बनाते हुए ले आए जिसमें हमारे श्रवण बाधित बच्चे, हमारे दृष्टि बाधित बेटे और बेटियां सभी इस प्रक्रिया से समुचित परिचित हों, जिससे वो भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर के अपने कार्ड को बनवाने और अपने दूसरे को उस कार्ड को बनाने की प्रक्रिया समझाने में आसानी हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री कमलेश कुमार वर्मा सर, दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी लखनऊ उत्तर प्रदेश को, क्या पाएं और आज के इस विशेष विषय बिंदु पर अपने आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय श्री कमलेश कुमार वर्मा सर। धन्यवाद नागेश जी, और सबसे पहले तो मेरा एक नमस्कार कहेंगे कि आप सब लोग सर, आपका वीडियो ऑफ है, निवेदन है सर वीडियो ऑन कर, ऑन था वीडियो पहले से, क्या दिख रहा है आपको? नागेश सर वीडियो ऑन है सर, वीडियो ऑफ हुआ है आपकी तरफ ये सर, वीडियो ऑन है सर, का फोटो दिखाई दे रहा है, वीडियो चलिए तो इस पे हम आज के इस कार्यक्रम के बारे में, जो कि पिछले अगर हम लोग देखें कि इसकी शुरुआत जब हुई थी लगभग 2016 से इसकी स्टार्टिंग, मतलब एक फ्रेम स्टार्टिंग हो गई थी हमारे विभाग में, अलग अलग लेवल पे इसकी मीटिंग और इस चीज के कि क्या कैसे किया जाएगा, कौन क्या होगा, हर तरह के एक फ्रेमवर्क बनाना शुरू कर दिए थे। आज 5 साल हो गए, इसके बावजूद भी
इसका प्रचार प्रसार कहें या कहें कि बहुत सी ऐसी कमियां रह गई हैं, खासकर इसकी कमियां इसलिए रह गई हैं कि इसकी जानकारी के अभाव में, या तो इग्नोरेंस कहिए या जो भी है, हम लोगों ने प्रचार प्रसार के संबंध में भी भारत सरकार से कई बार इसमें अलहर जिले के लिए कुछ न कुछ पैसे दिए गए कि भाई आप इसका प्रचार प्रसार करें। और जैसा कि आपकी टॉपिक है कि यूडीआईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया, प्रक्रिया के संबंध में से जाने से पहले हम लोग, जैसा सर ने भी, डायरेक्टर सर ने भी बताया अभी कि इसकी कुछ आवश्यकता क्यों है, क्या इससे फायदे हैं, पहले हम लोग एक प्रक्रिया पे देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या प्रक्रिया है, क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, कितने दिन में हमें कार्ड मिल जाते हैं और किस प्रकार से हम इसको और सुगम में बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूडीआईडी कार्ड है क्या। यूडीआईडी कार्ड एक बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर हम समझते हैं कि आधार कार्ड अगर यदि हम जनमान भारत के निवासियों के लिए, जैसे एक आधार कार्ड होता है जिसका एक साइंटिफिक नाम अगर आप देखें तो यूनिक आइडेंटिटी कार्ड होती है जो आधार कार्ड के नाम से जानी जाती है जनरल पब्लिक में। इसी प्रकार डिसेबल जो पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं, इनके लिए भी एक कार्ड की, जिससे कि एक डेटाबेस क्रिएट किया जाए, भारत सरकार की मुहिम है जिसके तहत उन्होंने चाहा कि भाई एक कंट्री वाइज हमारे डेटाबेस क्रिएट हो जाए कि एक्चुअल में हमारे कितने पीपल विद डिसेबिलिटीज से प्रभावित हैं और भी उनका सही से रिकॉर्डिंग, उनके डेटाबेस रिकॉर्ड हो, जैसे कि वो कितनी उम्र है, क्या है, उनके कितनी एजुकेशन है, इसमें कई ऐसे डिटेल्स हैं जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है फार्म भरते समय भी, जिससे कि हमें बाद में जब हमें एक सिंगल डॉक्यूमेंट ऑफ आइडेंटिटी हो जाती है, अभी हमें अगर यदि कोई लाभ लेना होता तो हमें मल्टीपल पेपर्स यूज करने होते हैं, जैसे डिसेबिलिटी कार्ड, आपके आधार कार्ड और भी डिटेल्स कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपको क्या उपकरण चाहिए। अगर हम फ्यूचर में, फ्यूचर जो बेनिफिट हम गवर्नमेंट की जितनी स्कीम आएंगी, ऐसा माना जाता है कि उसमें सिर्फ एक सिंगल डॉक्यूमेंट से आपका, जैसा कि यूडीआईडी जिसको हम स्वावलंबन कार्ड भी बोलते हैं, अगर ये कार्ड हमारे पास है तो हमारी अप्रोच बिना अन्य डॉक्यूमेंट के। हेलो, सर आपका माइक म्यूट है सर, सॉरी सर आपका माइक म्यूट है सर। अच्छा हाँ, तो इसमें जब हम ध्यान देंगे कि हमारा सबसे पहले कि इसके बेनिफिट देख लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहले अभी जैसे हम लोग सब लोग जानते हैं कि सबसे पहला सबसे अच्छी चीज इसकी क्या है कि हमारी हमारे डिसेबल पीपल के लिए, जो दिव्यांग जन है, उनके लिए एक नया आइडेंटिटी कार्ड हो जाएगी। इस कार्ड को जैसे कि अभी हम अगर डिसेबिलिटी के कार्ड देखते हैं तो लगभग A4 साइज के हमारे पेपर होते हैं जिसको कैरी करना या उसको कहीं रखना, उसको ले जाना, ये आदि कई प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं कि उसको कैसे सही से रखें, कैसे कहाँ रखें, वो फोल्ड करके कभी कभी खराब हो जाते हैं, बसों में चलने के लिए, कहीं आने जाने के लिए अपनी आइडेंटिटी कार्ड। ये कार्ड बिल्कुल जैसे आपके आधार कार्ड होता है ठीक उसी साइज की होती है। इस कार्ड का फायदा यह है कि भाई इसको कैरी आराम से किया जा सकता है। इस कार्ड के एक ही सिंगल डॉक्यूमेंट आपको यूज करना होता है, जैसे कि अभी भी बसों में चलने के लिए कहा जाता है कि या तो आप आधार कार्ड और साथ में अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यूज करिए, अन्यथा आपको सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में अगर यूज करना है तो आप सिर्फ प्लेन अपना यूडीआईडी कार्ड, स्वावलंबन कार्ड जिसको बोलते हैं, उसको लेके भी आप दिखा के चल सकते हैं, तो उसको कैरी भी इजीली हो जाएगी और आपको रखने में भी सुविधा है और भी अन्य सुविधाएं हैं, जैसे कि इससे एक तो छोटा होता है और दूसरा नेशनल, अभी तक जैसे हमारे आधार कार्ड की डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की एक जो रिकॉग्निशन है, रिकॉग्निशन अभी देखें तो सिर्फ हमारे जिस स्टेट की हो उस स्टेट की, और खासकर वो उस डिस्ट्रिक्ट के लिए बेनिफिट के लिए होता है, लेकिन उसकी रिकॉग्निशन उस स्टेट की होती है। लेकिन जब हमारे यूडीआईडी कार्ड बन जाते हैं तो यूडीआईडी कार्ड की रिकॉग्निशन पैन इंडिया है, जिससे कि आपको कहीं भी, चाहे आप यहाँ से कभी माइग्रेट भी हो जाते हैं, सपोज करिए आप यूपी से कहीं दिल्ली चले जाते हैं, बॉम्बे चले जाते हैं या किसी अन्य शहर में चले जाते हैं जो दूसरे प्रदेश में है, तो ऐसी जगह पे आपको यहाँ का सर्टिफिकेट भले ही काम न आए लेकिन उस यूडीआईडी कार्ड के
तर्ज पे आप वो सारे बेनिफिट ले सकते हैं जो वहां के डिसेबल्ड पीपल के लिए है। तो ये तो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन था कि इसके क्या फायदे हैं और कैसे क्या हमारे कब से स्टार्ट हुआ और क्यों अभी तक है नहीं। अब इस पे हम आते हैं मेन जो आज का टॉपिक है कि कार्ड बनाने की प्रक्रिया। कार्ड बनाने की प्रक्रिया में हम देखेंगे कि हम किसी भी, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम है तो इसको ऑनलाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, या तो आप स्वयं किसी साइबर कैफे पे चले जाइए या कॉमन सर्विस सेंटर पे चले जाइए या फिर आप अपने मोबाइल फोन से भी आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। स्मार्टफोन आपके पास है, अपने सिस्टम है, उससे भी कर सकते हैं। आपको इसमें बेसिकली जब आप इस पे ऑनलाइन करने के लिए एक साइट है जिसको हम या UDID करेंगे तो उस पे लिंक आ जाती है कि www.sawalambakard.gov.in पे आपकी लॉगिन हो जाती है। तो करते ही होम पेज खुलता है, इंटरफेस जो आपका सामने आती है उस इंटरफेस के उसमें सर बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरी एक क्वेरी थी कि बोलिए। सभी सभी प्रतिभागियों से निवेदन है, आपके जो प्रश्न है वो कार्यक्रम के अंत में हमने प्रश्नोत्तरी सेशन रखा है, सर का आशीर्वचन होता है, उसके बाद पूरी प्रक्रिया विकास मिश्रा सर बनाने की रखेंगे आपके बीच, पूरे स्लाइड के एक टू एक करके आपके बीच होगी, उसके पश्चात आपका कोई प्रश्न होगा ले लेंगे। विकास जी आपको अच्छे से फिर से इसको क्लियर करेंगे, ये तो सिर्फ हम अभी क्यों नगेन जी ऐसा ही है ना कि जी सर, जी सर पूरे प्रक्रिया को स्पष्टतया रखा जाएगा सर। हाँ तो यदि आप लोग चाहें तो कहिए तो मैं आपको भी इस अपने सिस्टम पे खोल के आपको उसको कैमरे के मोड से बताते चलूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली आपको चलिए इनका एक क्वेरी तो कर ही ले ही लेते हैं जो इन्होंने पूछा है, देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके आगे आगे की लोगों से क्वेरी नहीं लेते। जी हाँ बोलिए। किसी की समस्या थी ना तो एक बार पूछ सकता है सर, वो कार्ड से ही संबंधित हमें लगता है कि कोई भाव होगा, उसको हम लोग प्रश्नोत्तरी सेशन में देखें तो सर हमें लगता है ज्यादा ठीक है। जैसे जैसे कि हम जब स्वावलंबन या UDID आप लिंक तो जैसे ही आप उस पे अपने उस पे करेंगे गूगल क्रोम पे आप खोलिए या किसी भी साइट पे आप खोल के तो जैसे ही आप UDID कार्ड डालेंगे या तो आपको लिंक मिल जाएगी जो कि स्वावलंबन कार्ड .gov.in के नाम से आ जाएगा, उस पर क्लिक करते ही आपको होम पेज खुलेगा। होम पेज पे आप देखेंगे तो उस पे इस होम पेज वाला कुछ आइकन बने होंगे इंटरफेस पे जिसपे आपको कार्ड बेनिफिट दिखाएगा, पर्सन डिसेबिलिटी दिखाएगा, मीडिया गैलरी। लेकिन आप बिल्कुल दाहिनी साइड में देखेंगे तो वहां बना होगा कि अप्लीकेशन करने UDID कार्ड बनाने के लिए अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो उस पे जब आप अप्लाई करने के लिए क्लिक करते हैं तो आपको इंटरफेस पे बेसिकली चार तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। इंफॉर्मेशन पहला होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसमें आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, मदर्स का नाम, आपका ब्लड ग्रुप, आपका अन्य डिटेल होते हैं कि आप किस कैटेगरी के हैं, एज क्या है आपकी, कुछ चीजें कंपल्सरी होती हैं उसमें लिखे हुए हैं कि कितने कितने डॉक्यूमेंट हैं। आप एक बार जब खोलेंगे तो आपको बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको दिखाया गया है, बताया गया है। और इसी के साथ जब आप इस पहले कॉलम को पर्सनल डिटेल्स को आप पूरे फिल कर लेते हैं, इसके बाद आपको जब इसको फिल करने के बाद आप क्लिक करते हैं तब जाके आपको सेकंड आइडेंटिटी के लिए जिसमें आपके डिसेबिलिटीज डिटेल्स होते हैं कि आप किस प्रकार के डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं और आपको कितना परसेंटेज है, कितनी उसमें आपको अन्य जैसे उसमें डिटेल जब आप देखेंगे तो उसमें आता है, पहले होता है कि भाई आपकी सर्टिफिकेट का नाम क्या है, डेट ऑफ इशू है, किस डिस्ट्रिक्ट से है, कितना परसेंटेज है और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। इसमें 21 टाइप्स के आपके इसमें दिखाए गए हैं, पहले से है, अब सिंस बर्थ है, ये सब डिटेल काफी आते हैं आपको कहाँ से एरिया और ये सब कि हाथ पैर नोज आई ईयर ऐसे कई चीज आते हैं। फिर इसी में आपका एक फिर डिटेल जो आते हैं होम पेज पे जब अगर आप चेक करेंगे तो आपका आता है एम्प्लॉयमेंट डिटेल। एम्प्लॉयमेंट डिटेल में कुछ खास नहीं होती है, आप देखेंगे तो उसमें कि आपका बेसिकली उसमें एम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयड हैं अथवा नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, किसी गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, प्रोफेशनल हैं, ऐसे ही सर्विस से हैं या अदर ऑक्यूपेशन ऐसे आते हैं, बीपीएल हैं या एपीएल हैं, इससे भी बहुत सी बाद में आपको बेनिफिट लेने में फायदे होते हैं, क्योंकि बीपीएल एपीएल या आईपीएल हैं, अंत्योदय कार्ड के हैं, पर्सन इनकम क्या है, फादर की इनकम है, स्पाउस और आदि के डिटेल होते हैं। इसके अलावा अगर आप फिर कोर्ट इसको जब आप फिल कर लेते हैं तो आपको खुलेगा तो उस पर दिखेगा आइडेंटिटी डिटेल। आइडेंटिटी डिटेल में उस बेसिकली इसमें होते हैं कि एम्प्लॉयड हैं नहीं है। आइडेंटिटी डिटेल में आपके कि आइडेंटिटी कार्ड क्या है, जैसे आप डीएल पैन कार्ड राशन कार्ड आदि आधार आदि लगाते हैं, उसका नंबर लिखते हैं और फिर सारी चीज़ें एग्री होके आप कहते हैं कि ठीक है हमने ये चीज़ फिल किया। जब ये सब आप सब कुछ फिल करने के बाद आपकी एक छोटी सी स्लिप बनती है कि आपकी इनरोलमेंट नंबर ये है यूनिक आईडी के लिए, आप इसके तो होना चाहिए जनरली, यदि आपके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं इसके बारे में आप लिखते हैं यस और नो। यदि आप लिखते हैं नो तो आपको सीएमओ ऑफिस पे जाना होता है, क्योंकि लखनऊ में या ज्यादातर जिलों में सोमवार के दिन सुबह सीएमओ में दिव्यांग बोर्ड बैठता है, जिसके सामने आप अपनी उस स्लिप पे जाते हैं, वो आपके आइडेंटिफिक मतलब उस नंबर जितने लोग आते हैं उसको अपना चेक करके आपके उसके अनुसार सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं और उसको अपलोड करते हुए उसको आगे यूडीआईडी के लिए फॉरवर्ड करते हैं। यदि आपके पास पहले से है तो आपको सीएमओ ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएमओ ऑफिस में एक ही ऑपरेटर होता है। कहा जाए कि ये हमारे सिस्टम की प्रॉब्लम है, बेसिकली ये बेसिकली जरूरत नहीं है इसमें आपको जाने की, यदि उन्हें इस बात के लिए श्योर है कि हमारा सर्टिफिकेट है इतना परसेंटेज है। यदि आपको रीअसेस नहीं करना है या एसेस नहीं करना है तो आ जाने की कोई जरूरत नहीं है, किंतु ऐसे प्राय देखा जाता है कि उनके यहाँ जाने की इसलिए जरूरत पड़ती है कि उनके यहाँ पेंडिंग काम बहुत पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से यदि आप नहीं जाएंगे तो पेंडिंग में आप कितना दिन रह जाएगा कोई नहीं जानता। नहीं तो सामान्यतः 1.5 महीने में आपके पास कार्ड आपके हाथ में आ जानी चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर प्रोसेस आपने सारी डिटेल अपने भर दिए हैं, सही से भर दिए हैं, तो आपको अब क्या क्या करना है। आपको कुछ करना नहीं है। यदि आपके पहले से सर्टिफिकेट है तो सीएमओ ऑफिस पे किसी दिन सोमवार के दिन या किसी भी, चूंकि यूडीआईडी के लिए सिर्फ जाना है तब तो आप सीधे जाइए वहाँ पे सीएमओ के बैंक बोर्ड होते हैं सीएमओ साहब के पास, आप अपने दिखाइए कि ये हमारा एनरोलमेंट नंबर, इसको वेरीफाई करना है, वो अगर सब कुछ सही है तो वेरीफाई कर देंगे उनके ऑपरेटर और वो चली जाएगी कार्ड बन जनरेट होने के लिए। कार्ड 2-4 दिन बाद ऑनलाइन आपकी जनरेट हो जाएगी। जनरेट होते ही आप चाहे तो उसकी प्रिंट निकाल लें, अभी जब तक आपकी हार्ड कार्ड भी नहीं आती, हार्ड कॉपी चूंकि वो डायरेक्ट सरकार से आती है उसकी जो भी प्रोसेस टाइम 15 से लेके 1 महीने की होती है, बीच में काफी समय बढ़ गया था उसकी अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम थी। और इसमें अगर हम देखें कि क्या क्या हमें एग्जैक्टली जरूरत होती है तो डॉक्यूमेंट के नाम पे यदि आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले होता है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है कि नहीं है। यदि नहीं है तब तो आपको नो करके होना है, उसके लिए फिर आपको सीएमओ ऑफिस पे पहले एक बार जाके आवेदन करवा, उसी के आधार पे आपका सर्टिफिकेट बनेगा, उसको फिर दोबारा आपको अपलोड करना पड़ेगा मॉडिफिकेशन में जाके। और दूसरी चीज है कि आपके जैसे कुछ डिटेल होते हैं जो दूसरा आदमी नहीं जानता, जैसे फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपके ब्लड ग्रुप और भी कुछ चीजें होती है, एज आपकी कितनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है, आपके फोटोज होते हैं और कुछ चीजें होती हैं कि आपका एड्रेस होता है, तो एक होता है टेम्पररी होता है, एक परमानेंट होता है। इसके अलावा आप अगर अपने सेकेंड स्टैंड में पर्सनल डिटेल में जाएंगे तो आपकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको जाना बताना पड़ेगा। डिसेबिलिटी डिटेल तो आपको पहले ही बता दिया कि क्या क्या है उसमें, किस तरीके हैं आपको, उसके अनुसार आपके सर्टिफिकेट इशू है कि नहीं, यदि नहीं है तो भी। और यदि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो इस पे भी अगर आप साइट पे जाएंगे तो वहाँ भी एक कंप्लेन करने का वो है सुविधा, यदि उससे भी नहीं होता तो आप हमारे ऑफिस में भी आके अपनी चीज़ें बता सकते हैं कि साहब मैंने ये चीज़ें इनरोलमेंट किया है, मेरा इनरोलमेंट स्लिप ये है और ऐसा ऐसा है, इतने दिनों से अभी मेरा कार्ड नहीं जनरेट हुआ, तो उसके संबंधित हम लोग रिगार्डिंग जो भी है भारत सरकार में बैठे हैं चाहे स्टेट गवर्नमेंट में या सीएमओ ऑफिस से है, उस तरह की समस्याओं को दूर किया जाएगा।
आप इसमें बेसिकली इसमें आपको उससे ध्यान रखना है कि यूडीआईडी लिंक से जाना है और आपके पर्सनल डिटेल में कुछ यही तीन चार चीजें जो आपको जरूर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, अन्यथा आपको कोई चीज की जरूरत नहीं। आजकल यूडीआईडी कार्ड जो स्वावलंबन कार्ड के तहत जो ये लॉगिन हमारी है, इसी से आजकल ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी इशू हो रहे हैं। तो सीएमओ ऑफिस पे जाने से पहले यदि किसी का सर्टिफिकेट भी नहीं है बना हुआ तो भी इसको अपना इनरोलमेंट करा के जाएगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। कोशिश होगी कि उस मंडे के दिन ही उसका बन जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आप जाएंगे वहां सीएमओ के यहाँ से कोई काम नहीं होगा, आप वापस आएंगे चाहे सीआरसी हमारे ऑफिस की साहब मेरा ये चीज हमने सीएमओ साहब के यहाँ कोई सुना नहीं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो सबसे पहले हम या कोई भी किसी भी आदमी से आप कंप्लेन करते तो पूछेंगे कि क्या आपने इसको इनरोलमेंट किया है कि नहीं। तो बेटर है कि आप लोग इनरोलमेंट करिए सबसे, बताइए। और इस कार्ड के बहुत से फ्यूचर में जैसे आजकल हम लोग बसों में इसकी कंपल्सरी तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन अल्टरनेट के रूप में यदि आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और आधार कार्ड नहीं ले जाना चाहते तो आप यूडीआईडी कार्ड यूज कर सकते हैं। आजकल हम लोग कुछ जगह पे हमारे जैसे हम लोग अब डिमांड करना शुरू कर दिए हैं कि आपकी यूडीआईडी नंबर भी आप दिया करिए उपकरण के लिए अन्य, और आने वाले समय में हो सकता है पेंशन वेंशन में भी आ जाएगा तो उस समय आप सबको कंपल्सरी हो जाएगी। तो उस दिन से प्रॉब्लम है चूंकि अभी स्कीम स्टार्ट हुई, स्टार्ट तो बेसिकली 2-3 साल से फंक्शनल कर दी गई 2018 से लगभग, लेकिन फंक्शनल होने के बावजूद भी अभी कार्डों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं, खासकर लखनऊ में भी अभी हम लोग हार्डली हमें लगता है कि 25-30% ही लोगों का अभी बना हुआ है। तो एक इसकी भी जरूरत है कि सभी लोगों को अवगत कराएं, जैसा कि सीआरसी ने ये इनिशिएशन लिया है ये मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा, इसलिए जब कल मुझसे विकास जी ने बात भी किया तो हमने कहा कि ठीक है हम जरूर इससे जुड़ेंगे और देखेंगे कि आप लोग कि क्या है, जिस तरीके की आप लोग हमसे हेल्प चाहिए या हमारे आपसे चाहिए वो अपेक्षित एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ये कोई हमारा और आपके घर का काम नहीं है, लेकिन ये है कि इसके हमें सैलरी मिल रही है, आपको भी इन्हीं सब कामों के लिए सरकार की चीजों को किया जाए। यदि किसी को कोई समस्या या कोई अभी इस समय कुछ कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे बात कर सकता है, अभी भी कर सकता है, बता सकते पूछ सकता है। यस सर, आशीर्वचन हमारी ऊर्जा का स्रोत बनेगा। सर यह प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम विधिवत जैसा हमारे एक मित्र ने लिखा है कि क्या स्लाइड के बेस्ट पर दिखाया जाएगा, सुजीत भाई ने लिखा है दिल्ली से। मैं आप सभी को बता दूं कि पूरी तरीके से स्पष्टतया एक एक पॉइंट पर जहां जहां जिस जिस पैराग्राफ पर जा करके जिस कॉलम को कैसे फिलअप करना है वो आपको आज स्पष्टतया श्री विकास मिश्र जी द्वारा दिखाया जाएगा। जैसा हमारे आदरणीय श्री मुख्य अतिथि साहब ने कमलेश सर ने बताया, एक फॉर्मली उन्होंने परिचय रखा और विस्तृत रूप में उसके लाभों के बारे में सर ने चर्चा की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के हमारे प्रशिक्षक श्री विकास मिश्र सर को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के इस विषय पर गहनता पूर्वक विस्तार पूर्वक बनाने की यूडीआईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सभी के समक्ष प्रस्तुतीकरण के साथ प्रस्तुत करें। श्री विकास मिश्र सर, गुड आफ्टरनून कमलेश सर। हाँ, थैंक यू सर। सर मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ, अंसार आलम खान। बोलिए अंसार सर। हाँ बोलिए बोलिए अंसार सर। मैं अंसार आलम खान बोल रहा हूँ सर, मुंबई से बात कर रहा हूँ। हाँ अंसार जी, आपकी आवाज आ गई, आपकी आवाज आ गई, परिचय हम लोगों तक पहुंच चुका है। कोई प्रश्न है या हम कार्यक्रम को गति प्रदान करें, क्योंकि हमारे कार्यक्रम को अभी बृहद आगे बढ़ना है सर। ओके जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। विकास सर प्लीज कंटिन्यू। नागेश सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज के कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि आदरणीय अवधेश वर्मा सर को सादर प्रणाम करता हूं और सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सर आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सर बहुत व्यस्त हैं लेकिन उन्होंने अपना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अभिभावक संस्था पीडीओ नाइपीपीडी की डायरेक्टर महोदया आदरणीय स्मिता जयवंत मैडम और हमारे सीआरसी लखनऊ के डायरेक्टर आदरणीय रमेश पांडे सर, जिन्होंने आज मुझे इस वेबिनार में एज अ रिसोर्स पर्सन इस मुख्य विषय पर
अपनी विशेषज्ञता रखने का अवसर दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सीधे विषय पर आता हूँ। आज का विषय बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं पिछले 2017 से यूडीआईडी कार्ड पे काम कर रहा हूँ, यूडीआईडी कार्ड के रजिस्ट्रेशन पे काम कर रहा हूँ, और मेरे समक्ष बहुत सारी समस्याएं दिव्यांगजनों से संबंधित आई हैं जो कि यूडीआईडी कार्ड से संबंधित हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पे हम आज डिस्कशन करेंगे, एक परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले एक सवाल आता है कि यूडीआईडी कार्ड, जैसे कि कमलेश वर्मा सर ने काफी कुछ बताया, लेकिन मैं बताना चाहूंगा यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड है यूडीआईडी कार्ड। बहुत हमारे डिसेबल्ड, जो जागरूकता की कमी की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो इस कार्ड को अलग अलग नाम देते हैं। कोई बोलता है बस पास बोलता है, कोई रेलवे पास बोलता है, कोई किसी और नाम से बोलता है, लेकिन हम सभी के बीच में जो इसका नाम प्रचलित है या जो इसका नाम रखा गया है वो है यूडीआईडी, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, क्योंकि ये दिव्यांगजनों को एक यूनिक नंबर देता है, इसकी वजह से इसका यह नाम रखा गया। साथ साथ में इसे हम लोग स्वावलंबन कार्ड के नाम से भी जानते हैं, इसे स्वावलंबन कार्ड भी कहा जाता है। तो अगर स्वावलंबन कार्ड कहा जाए तो उसका मतलब यूडीआईडी कार्ड से ही लगाया जाए। हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का एक विभाग है जिसे हम दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग बोलते हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा एक योजना के रूप में है जो कि सभी डिसेबल्ड के लिए, सभी हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए अनिवार्य है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूडीआईडी कार्ड क्यों आवश्यक है। जैसा कि कमलेश सर ने बताया कि दिव्यांगजनों के पास देखा गया है कि मल्टी बहुत सारे कार्ड रहते हैं, जैसे कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया, पेंशन का कोई एक कागज हो गया, उसके बाद में बस कंसेशन का कोई एक कागज हो गया, किसी और अगर योजना का लाभ उठा रहे हैं तो उसके लिए एक स्पेशल कार्ड उनके लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखा गया कि एक एकल कार्ड उन्हें उपलब्ध कराया जाए जिससे कि सारी सुविधाएं वो इसी कार्ड से ले पाएं। तो यूडीआईडी कार्ड गवर्नमेंट ने सोचा कि उनके लिए एक यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी एक उनको दे दी जाए जो कि हर जगह पे हर योजना में उनके लिए वो मानक हो और उसी को माना जाए। तो यूडीआईडी कार्ड बनाया गया। साथ साथ में जैसा कि कमलेश सर ने बताया कि हमारे जो डिसेबिलिटी पॉपुलेशन है, जो दिव्यांग जन लोगों की जनसंख्या है, उसमें हमें दिव्यांगतावार हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि हमारे दिव्यांगजनों की संख्या कितनी है, उनकी जनसंख्या कितनी है। तो यूडीआईडी कार्ड बनने से दिव्यांगतावार की, मतलब हमारे जो पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट है वो कितने हैं, पर्सन विद हियरिंग इंपेयरमेंट है वो कितने हैं, मतलब दिव्यांगता बार एक सूची, एक रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा। और इस कार्ड के रजिस्ट्रेशन के समय बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हम भरते हैं, जैसे कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो भी हमारे पास एक डाटा आ जाएगा, उनका एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं वो भी हमारे पास एक डाटा आ जाएगा, मतलब समस्त डाटा दिव्यांगजनों से संबंधित हमारे पास एक उपलब्ध हो जाएगा और जिसका रिकॉर्ड हम अपने पास रख सकते हैं। और उनके लिए तमाम जो दिव्यांगजन भाई बहन है हमारे पास, उन लोगों के लिए सरकार द्वारा तमाम योजनाएं इसके आधार पर बनाई जा सकती हैं। तो यूडीआईडी कार्ड का जो बेनिफिट है दिव्यांगजन के लिए वो बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों के पास यूडीआईडी कार्ड होना जरूरी है। यूडीआईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन से संबंधित बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। समस्या ये आ रही थी, सबसे पहली समस्या ये थी कि जब भी हमारा दिव्यांग भाई बहन कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाता था तो एक जागरूकता ना होने की वजह से अगर किसी साइबर कैफे में पहुंच गया है तो वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो एक एक्सपर्ट को ही पता होगी, जो एक विशेषज्ञ को ही पता होगी। तो कहीं कहीं पे होता है कि वो गलत इंफॉर्मेशन भर देता है और गलत इंफॉर्मेशन भरने के बाद हमारा जो विकलांग भाई है, जो दिव्यांग भाई है, उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब उसका यूडीआईडी कार्ड बन के आ जाता है और उसको बाद में पता चलता है कि हमारी इंफॉर्मेशन गलत भरी गई है, तो उसे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जैसे ही आपका यूडीआईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन जहां से आप करवाते हैं वहां पे ये श्योर कर लें कि वो आपकी इंफॉर्मेशन सही तरीके से भरे। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब यूडीआईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे तो एक एप्लीकेशन फॉर्म भी क्रिएट होगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म में सारी जो जानकारी है
उसको सही तरीके से चेक करें, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि कहीं आपकी एप्लीकेशन में कोई गलती तो नहीं। अगर गलती है तो उसको तुरंत वहां पे एडिट करवा लें, जिससे कि आपको भविष्य में किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। अब मैं यूडीआईडी कार्ड की प्रक्रिया के बारे में आपको बताना चाहूंगा। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और उस स्क्रीन के द्वारा मैं एक यूडीआईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन करूंगा, और उस यूडीआईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन करने के बाद मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरीके से यूडीआईडी कार्ड कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है उसके बारे में आपको पता हो जाएगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के समक्ष। क्या मेरी स्क्रीन आपके समक्ष आ रही है? जी सर स्पष्ट दिखाई दे। नगेश सर आ रही है ना? जी सर। देखिए यहाँ पर मैंने जो गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड वेबसाइट है जिसे हम लोग swavalambankard.gov.in के नाम से जानते हैं, हमारे सर, सामने सर मैं सत्यम बात कर रहा हूँ। सर क्या बिजली इम्पेयर्ड के लिए सर स्क्रीन रीडर के साथ आप इसको एक्सेस कर सकते हैं? देखिए ये थोड़ी सी समस्या है। मैं जिस कंप्यूटर पर बैठा हूँ वहाँ पे जॉज नहीं है, जिसकी वजह से ये रीड नहीं करेगा, स्क्रीन रीडिंग नहीं करेगा। तो मैं आपको स्पष्टतः बताता रहूँगा, मुझे लगता है सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मैं डिटेल में आपको बताता रहूँगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है? जैसे ही हम लोग swavalambankard.gov.in की वेबसाइट पर जाएंगे, हमारे सामने एक होम पेज खुलेगा, और होम पेज के अगर हम कंप्यूटर स्क्रीन से हैं तो होम पेज के राइट साइड में कुछ लिंक आपके सामने आएंगे। पहला लिंक है अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूडीआईडी कार्ड, दूसरा लिंक है अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूडीआईडी कार्ड रिन्यूअल, तीसरा है अप्लाई फॉर लॉस्ट यूडीआईडी कार्ड, ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस, फिर डाउनलोड योर ई डिसेबिलिटी कार्ड एंड ई यूडीआईडी कार्ड, और लास्ट में है अपडेट पर्सनल प्रोफाइल। तो जो पहला लिंक है जिसे हम लोग कहेंगे अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूडीआईडी कार्ड, इससे हम लोग अपना अगर नया यूडीआईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसी से खोलेंगे। रिन्यूअल करना चाहते हैं तो दूसरा लिंक है। अगर आपका यूडीआईडी कार्ड खो गया है तो उसके लिए तीसरा लिंक है। ट्रैक करना चाहते हैं कि आपकी यूडीआईडी कार्ड की स्थिति क्या है तो चौथा लिंक है। और पांचवा लिंक है, अगर आप अपना यूडीआईडी कार्ड आपका जनरेट हो गया है, बन गया है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए चौथा लिंक है। और अगर आप अपना पर्सनल प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं, उसमें कोई समस्या है, तो उसके लिए छठा लिंक है, सिक्स लिंक है, ठीक है? तो अब मैं सबसे पहला लिंक आपके समक्ष खोल रहा हूँ, अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूडीआईडी कार्ड। देखिए जैसे मैंने लिंक खोला, पहला पेज खुला जिसमें कि पर्सनल डिटेल्स हमें भरनी है। एक चीज मैं और आपको बता दूं, इंडिया में, पूरे भारत में कहीं से भी कहीं का भी यूडीआईडी कार्ड बनाया जा सकता है, कोई समस्या नहीं। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं महाराष्ट्र का यूडीआईडी कार्ड बना सकता हूँ, मैं बैंगलोर का यूडीआईडी कार्ड बना सकता हूँ, मैं कहीं का भी यूडीआईडी कार्ड बना सकता हूँ। उसके लिए अगर मैं बैंगलोर का, कर्नाटका का बनाने जा रहा हूँ, या मैं आंध्र का बनाने जा रहा हूं, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा चूज रीजनल लैंग्वेज। देखिए इसमें बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज हैं, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, नेपाली, उड़िया, जो भी हैं, उसके द्वारा हम अगर रीजनल लैंग्वेज सर्च कर लेंगे और उसको क्लिक कर लेंगे तो उसी रीजनल लैंग्वेज में आपका यूडीआईडी कार्ड बन जाएगा। देखिए सबसे पहला है, पहला पेज है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में मुझे जो भी बच्चा है या जो भी व्यक्ति है उसका पर्सनल डिटेल भरना है। अभी मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसका यूडीआईडी कार्ड हमें बनाना है,
उसका यूडीआईडी कार्ड मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, उसका नाम है आदित्य, मैं उसकी डिटेल यहाँ पे भरूंगा। सबसे पहले उसका नाम है आदित्य, तो मैंने उसका नाम डाल दिया आदित्य, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको जो नाम डालना है वो आपको जो आपका आइडेंटिटी, जो आप पहचान पत्र यहाँ पे अपलोड करेंगे उसी के हिसाब से डालना है। आप अपनी मार्कशीट के हिसाब से नहीं डालेंगे, आप किसी और माध्यम से अपना नाम नहीं डालेंगे या अपने अनुसार नहीं डालेंगे। जो भी नाम है जो आपकी आईडी में लगा है, यहाँ पे मैं आईडी लगा रहा हूँ उसकी आधार कार्ड, तो इसलिए मैं उसका नाम आधार कार्ड पे देख के डाल रहा हूँ। उसका नाम है आदित्य, तो मैंने आदित्य डाल दिया। अगर मिश्रा होता तो उसके सर नेम में जाके मैं मिश्रा लिख देता, तो आदित्य मिश्रा उसका नाम हो जाता। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर हम स्पेस दे देते हैं, हमें यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। अगर स्पेस दे देते तो आखिरी में जब हम नेक्स्ट पेज पे जाने को होंगे तो वहां पे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्पेस ना हो। अब हिंदी में हमें ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी में सारी चीजें जानूं या हिंदी टाइपिंग मुझे आती हो, इसमें बाय डिफॉल्ट अपने आप ही वो ले लेता है, हिंदी लैंग्वेज लेता है। देखिए मैं आदित्य डाल रहा हूँ, तो आदित्य यहाँ पे देखिए उसने नाम ले लिया। अब मुझे नेक्स्ट कॉलम में उसके फादर का नाम डालना है, मैं उसके फादर का नाम डाल रहा हूँ वैसे ही, देखिए जैसे लास्ट टाइम मैंने डाला था आदित्य का नाम, पूरा नाम उनका डाल दिया, ओम प्रकाश मिश्रा, ठीक है। अब मैं नीचे भी हिंदी में डाल दूंगा, हिंदी में डाल दिया मैंने उनका नाम। देखिए यहाँ पे ओम लिख के आ रहा है, तो मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। कैसे चेंज कर सकता हूँ, मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ओम फिर से डाला, अब ये नाम सही नहीं आ रहा है, तो अब मुझे अपनी टेक्निक का यूज करना होगा या दूसरे माध्यम से इसको चेंज करना होगा। कैसे मैं चेंज करूँगा, देखिए मैं ओम प्रकाश, देखिए अब ओम प्रकाश लिख के आ रहा है। अब मैं इसको स्पेस दे दूंगा, ओम प्रकाश आ गया। अब मिश्रा, ठीक है। अब उसकी मदर का नाम हमारे लिए जानना जरूरी है। उनकी मदर का नाम मैं डाल लेता हूं यहाँ पे, सेम वैसे ही प्रोसेस है जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था, रश्मि मिश्रा, ठीक है। नेक्स्ट में रश्मि मिश्रा, यहाँ पे मैंने ये भर दिया, डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ बर्थ जो उनके आधार कार्ड पे हो वही डेट ऑफ बर्थ डालनी जरूरी है। ये आप ध्यान रखें कि आधार कार्ड में क्या डेट ऑफ बर्थ है, 16 अगस्त, उसके बाद 2006, है ना। फिर उसके बाद में जेंडर मेल, मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर वो अपना फीड कराना चाहते हो वही मोबाइल नंबर डालना यहाँ पे जरूरी है। मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ 8787, मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद में उनकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी हमें मालूम करनी होगी क्या कैटेगरी है, तो कैटेगरी में जनरल है तो जनरल डाल दिया। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अगर मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन कोई है या आपको पता है तो डाल दें, अगर नहीं पता है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। ईमेल आईडी अगर आपको पता है तो ईमेल आईडी डाल सकते हैं, अगर नहीं ईमेल आईडी है तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड ग्रुप, अगर ब्लड ग्रुप उनका कोई है आपको पता है तभी ब्लड ग्रुप डालें, अंदाजे से ब्लड ग्रुप डालने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में प्लीज सेलेक्ट मैरिटल स्टेटस, वो मैरिड है अनमैरिड है ये डालना जरूरी है, बच्चा है अनमैरिड है, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लीज सेलेक्ट रिलेशन विद पीडब्ल्यूडी, तो जो भी पर्सन है जो उनके गार्जियन है उनका नाम वहां पे डाल दिया, और गार्जियन का नाम जो है यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब गार्जियन का कॉन्टेक्ट नंबर सेम है इसलिए कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया। उसके बाद में देखिए जो डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, सबसे पहले फोटो में ये ध्यान रखना है कि फोटो का जो फॉर्मेट है वो JPG, GIF या PNG होना चाहिए, और वो फोटो 15 KB से लेकर
30 KB तक अलाउड होती है। अगर आप फोटो इसका साइज ज्यादा है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर फोटो हमारे पास पहले से उपलब्ध है, तो फोटो देखिए अपलोड हो गई। अब सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन जो भी है, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन में फाइल का फॉर्मेट वही रहेगा, जेपीजी जो भी पीएनजी इमेज रहेगी, साथ साथ में जो साइज है उसका वो 3 KB से 30 KB तक होना चाहिए, मतलब 3 KB to 30 KB होना चाहिए। देखिए मैं चूज किया उसका साइन, थंब इम्प्रेशन भी ले लिया। अब एड्रेस, एड्रेस में उनका एड्रेस में सन ऑफ जरूर डालें, सन ऑफ डालना जरूरी है। अगर आप सन ऑफ नहीं डालेंगे तो जो जहाँ पे उनका UDID कार्ड पहुँचना चाहिए वहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, इसलिए पूरा एड्रेस सही तरीके से डालें। मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, मैं यहाँ पे हिंदी में आत्मज बोला जाता है और इंग्लिश सॉरी फीमेल के लिए आत्मजा बोला जाता है, तो यहाँ पे मैंने आत्मज डाल दिया। अब इनके पिताजी का नाम हिंदी में भी डालना जरूरी है, हिंदी में इनके पिताजी का नाम डाल दिया। अगर देखिए यहाँ पे डाल दिया, एड्रेस सही हो, स्पष्ट हो, ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं इनका एड्रेस डाल रहा हूँ, 537 मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही है? नागेश सर स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर आपकी स्क्रीन स्पष्ट दिखाई दे रही है सर। अगले कॉलम पे जाते समय सर बोल दिया करिए कि अब नेक्स्ट कॉलम पे हम जा रहे हैं, ये होगा। ओके सर। इसके बाद में इनका एड्रेस मैं डाल रहा हूँ, एड्रेस थोड़ा बड़ा है इसलिए समय लग रहा है। ये मैं एड्रेस के दूसरे कॉलम में गया, मैंने एड्रेस डाल लिया। आप हिंदी में भी ये एड्रेस डालना होगा, यही इसी में समय लगता है। किसी का भी UDID कार्ड जब हम लोग जनरेट करते हैं तो इसी में समय लगता है। एड्रेस क्लियर रहना जरूरी है, अगर एड्रेस क्लियर नहीं रहेगा तो UDID कार्ड आपका एड्रेस पे ही आएगा और एड्रेस आपका आपके आधार कार्ड से या आपका जो एड्रेस प्रूफ है वहां से आपका एड्रेस मैच करना चाहिए। देखिए यहाँ पे कॉलोनी का स्पेलिंग सही नहीं ले रहा है तो मैं दूसरे तरीके से डालता हूँ। देखिए कॉलोनी ले लिया, अब एड्रेस में नेक्स्ट कॉलम में जाऊंगा, राजुल्लागंज, नेक्स्ट कॉलम में मैं गया, एड्रेस के नेक्स्ट कॉलम में, और देखिए एड्रेस डाल दिया यहाँ पे, तो इसको हिंदी में भी डालना जरूरी है। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन सही तरीके से भरना जरूरी है। अब आपको स्टेट का चयन करना है, तो उत्तर प्रदेश के हैं तो मैंने उत्तर प्रदेश का चयन किया। अगले कॉलम में डिस्ट्रिक्ट दिया है, तो डिस्ट्रिक्ट इनका लखनऊ है, मैं लखनऊ चयन किया। अब उसके बाद यहाँ पे तहसील डालनी जरूरी है, तो इनकी तहसील देखिए बहुत सारी तहसील हमारे पास लखनऊ की आ गई हैं, जो इनकी तहसील है हम लोग वो तहसील उठा लेंगे। देखिए ये मैंने इनकी तहसील बक्सी का तालाब है उठा लिया। अब इसके बाद में पिन कोड भी सही होना जरूरी है, जो कि आधार कार्ड कार्ड पे आपके हो, पिन कोड 22 0 20। नेक्स्ट कॉलम में पिन कोड है। फिर नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ फॉर एड्रेस प्रूफ, देखिए एड्रेस प्रूफ के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, आपका एड्रेस कार्ड विद फोटो इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आधार कार्ड, आर्म्स लाइसेंस, बहुत सारे हैं,
वहाँ पे चूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास में जिसे सेलेक्ट करना चाहते हो उसको ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आधार कार्ड को ले रहा हूँ, आधार कार्ड को लिया। अब देखिए आधार कार्ड को डालने में एक बहुत बड़ी समस्या आती है, क्योंकि आधार कार्ड जो है आपका वो यहाँ पे दो फाइल नहीं लेता है। तो आधार कार्ड हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें फ्रंट और बैक दोनों एक ही पेज पर हो। उसके लिए आप उसकी इमेज बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक इमेज बनाई है, मैं इसको थोड़ा सा ये मैंने एक इमेज बनाई हुई है आधार कार्ड की। पहले मैंने इसको वर्ड में लिया, वर्ड में पहले इसकी एक फाइल बनाई, इसके दोनों आधार कार्ड को पेस्ट किया। उसके बाद में वर्ड्स में मैंने वर्ड से फाइल को कन्वर्ट कर दिया जेपीजी में। तो जेपीजी में ये फाइल हमारी बन गई। ये मैंने फाइल यहाँ से उठा ली, फाइल अपलोड हो गई है। जो एड्रेस प्रूफ है, जो करेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, जो भी एड्रेस प्रूफ है, उस एड्रेस की फाइल फॉर्मेट वही है, जेपीजी, जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ में भी हो सकता है। लेकिन इसका साइज जो है वो 10 KB से 100 KB तक अलाउड करता है। अगले कॉलम में परमानेंट एड्रेस मांग रहा है, तो परमानेंट एड्रेस में परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम एज एबव में देखिए मैंने क्लिक कर दिया। लेकिन अगर सेम नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये परमानेंट एड्रेस भी पूरा भरना पड़ेगा। आप परमानेंट एड्रेस देख रहे होंगे, पूरा भरना पड़ेगा, जो भी परमानेंट एड्रेस का प्रूफ है वो आपको भरना पड़ेगा। अब एजुकेशनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स जो भी है, जिस क्लास में बच्चा है, बच्चा अभी प्राइमरी में है तो मैं प्राइमरी डाल रहा हूँ। अगर कोई डॉक्टरेट है या कोई पोस्ट ग्रेजुएट है तो वहां से आप उठा लेंगे। देखिए मैं प्राइमरी मैंने डाल दिया। अब ये पेज मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको स्पेस यहाँ पे दे रहा था, मैंने स्पेस दिया है, देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट में नहीं जा रहा है, नेक्स्ट में नहीं जा रहा है, मैंने स्पेस दे दिया तो नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट पेज में नहीं जा रहा है। अब मैं देखिए लिखा है ना यहाँ पे रेड रेड आइकॉन दिखा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया था। अब देखिए मैंने स्पेस खत्म किया और देखिए नेक्स्ट पेज में पहुंच गया। अगला पेज है जिसमें कि डिसेबिलिटी डिटेल्स डालनी है। डिसेबिलिटी डिटेल्स मैंने यस किया। अगर आपके पास यहाँ पे पहला जो कॉलम है उसमें लिखा है डू यू हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो यस, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। और नो जब कर देंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे कॉलम नीचे आ रहे हैं जिसमें डिसेबिलिटी टाइप वो सब भरना है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो मैंने यस कर दिया। जैसे ही मैं यस करूँगा वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की फाइल अपलोड करने के लिए मांगेगा। मैं यहाँ से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की फाइल भी चूज करता हूँ। मैंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की फाइल चूज कर ली। ये फाइल भी आपकी जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, पीडीएफ में होनी चाहिए और 10 KB से 100 KB तक ही अलाउड करता है। अब इसका जो सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो मुझे डालना है। मैं सर्टिफिकेट का नंबर सर्च करके डालता हूँ। सर्टिफिकेट में ऊपर की साइड में लिखा होता है, देखिए इसका सर्टिफिकेट का नंबर है 641/15, ठीक है। उसके बाद में सर्टिफिकेट कब बना है, तो ये 21 जुलाई 2015 में बना है, 2015 और जुलाई, और उसके बाद में 21 हम यहाँ से देख लेंगे, 21 जुलाई 2015 में बना है। उसके बाद में डिटेल्स ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, किसने इस सर्टिफिकेट को इशू किया है। यहाँ पे जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है ये सीएमओ ऑफिस से इशू हुआ है, इसलिए मैं उसको चीफ मेडिकल ऑफिस सेलेक्ट करूंगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कैंप लगाए जाते हैं और उन कैंप में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, तो उनके लिए हम मेडिकल अथॉरिटी का चयन करेंगे। तो मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा है तो मेडिकल अथॉरिटी का चयन करेंगे, लेकिन यहाँ पे चीफ मेडिकल ऑफिस के द्वारा है तो मैं वो चयन करता हूँ। डिसेबिलिटी परसेंटेज, आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में डिसेबिलिटी की परसेंटेज लिखी होती है। यहाँ पे ये जो बच्चा है वो 100% ब्लाइंड है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 100% का चयन करता हूँ, 100%। अब देखिए यहाँ पे 21 डिसेबिलिटी जो है वो दिखाई गई हैं, सभी डिसेबिलिटी यहाँ पे दिखाई गई हैं। जो डिसेबिलिटी व्यक्ति को है
या हमारे दिव्यांग जन को है उस डिसेबिलिटी का चयन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिसेबिलिटी है उसी डिसेबिलिटी का हम चयन करें। देखिए यहाँ पे ब्लाइंडनेस है तो मैंने ये ब्लाइंडनेस का चयन किया। अगला कॉलम है कि डिसेबिलिटी सिंस, डिसेबिलिटी कब से है, तो डिसेबिलिटी सिंस में अगर हमने टिक किया है तो यहाँ पे हमें चयन करना होगा कि डिसेबिलिटी किस सन से है, किस वर्ष से है, वो हमें चयन करना पड़ेगा, उस वर्ष का चयन करना पड़ेगा। लेकिन मैं जिस बच्चे का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना रहा, सॉरी यूडीआईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, उसका डिसेबिलिटी बाई बर्थ है, तो मैंने डिसेबिलिटी बाई बर्थ जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे देखिए जो वर्ष दिखा रहा था वो चला गया। नेक्स्ट कॉलम में अब मैं गया, वहां पे लिखा है डिसेबिलिटी एरिया, मतलब अगर वो ब्लाइंडनेस है तो उसके किस एरिया में डिसेबिलिटी है। ब्लाइंडनेस है तो हमें बिल्कुल पता है कि आंख में डिसेबिलिटी होगी, तो हम यहाँ पे, और ब्लाइंडनेस है तो दोनों आंखों में डिसेबिलिटी होगी, तो बहुत हाई सिलेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर यही लोकोमोटर डिसेबल होता तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे देखिए ऑल फोर लिम्स हो गया, उसके बाद में बोन डिजीज हो गया, है ना, बोथ हैंड हो गया, बोथ लेग हो गया, बोथ लोअर लिम्ब हो गया, बोथ अपर लिम्ब हो गया, ये सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे ये कंफर्म करना जरूरी है कि जो भी जिस एरिया में डिसेबिलिटी है उस चीज को, उस एरिया को हम सही तरीके से सेलेक्ट करें। कहीं कहीं कभी कभी हमें भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में हमें सही तरीके से एरिया पता नहीं चल पाता, इसलिए हम उस व्यक्ति से भी पूछ सकते हैं कि किस एरिया में आपको प्रॉब्लम है, तो वहां से हमें सही तरीके से पता चल जाता है। यहाँ पे बहुत हाई हमने सेलेक्ट किया। अब उसके बाद में है हॉस्पिटल ट्रीटिंग डिसेबिलिटी, किस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ था उस डिसेबिलिटी से संबंधित। तो हॉस्पिटल ट्रीटिंग डिसेबिलिटी में अगर किसी हॉस्पिटल का नाम लिखना चाहते हैं वहां पे लिख सकते हैं। पेंशन कार्ड नंबर, अगर पेंशन कार्ड का नंबर है कोई वो भी दे सकते हैं, हॉस्पिटल दे सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर इन दोनों कॉलम को हम खाली छोड़ सकते हैं, जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। अगला कॉलम है डिसेबिलिटी ड्यू टू, मतलब डिसेबिलिटी कब से है, सॉरी डिसेबिलिटी किस कारण से है। पहला एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट कारण लिख देंगे। कंजेनाइटल का मतलब होता है जन्म से, ये डिसेबिलिटी इसकी जन्म से है क्या, डिजीज बीमारी से है, हेरिडिटरी अनुवांशिक है, इन्फेक्शन से हुई है या किसी मेडिसिन की प्रॉब्लम की वजह से हुई है। यहाँ पे हमारा जो बच्चा है उसको कंजेनाइटल है, अर्थात बचपन से उसे ये प्रॉब्लम है। देखिए मैंने कंजेनाइटल सेलेक्ट किया। अब उसके बाद आया हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का मतलब है कि आप, अगर आपने अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाया है तो वो किस हॉस्पिटल से बनवाया है, ये हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। और आपका जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर लिखा रहता है कि वो सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाया गया है, तो यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल है उसका हम चयन कर लेंगे। तो जो लखनऊ से जो भी सर्टिफिकेट बनते हैं तो उनको, उनके लिए बलरामपुर हॉस्पिटल में भी भेजा जाता है, कभी कभी दूसरे हॉस्पिटल्स में भी भेजा जाता है, तो चारों हॉस्पिटल के नाम आ गए। लेकिन इस लड़के को, जो इस लड़के का जो सीएमओ सर्टिफिकेट बना है वो बलरामपुर हॉस्पिटल से बना है, मैंने बलरामपुर हॉस्पिटल क्लिक कर दिया। यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि आप जिस हॉस्पिटल में आपका मेडिकल असेसमेंट हुआ हो वही हॉस्पिटल आप डालें, क्योंकि यहीं से जिस हॉस्पिटल में हमने चयन किया है उसी हॉस्पिटल में इसका, इस यूडीआईडी कार्ड का रजिस्ट्रेशन करने के बाद ईमेल पहुंचेगा। देखिए अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे। नेक्स्ट कॉलम में देखिए, नेक्स्ट कॉलम में, नेक्स्ट कॉलम आ गया है हमारा एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे सभी के लिए एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पूछता है, तो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है एम्प्लॉयड आर अनएम्प्लॉयड। यहाँ पे बच्चे के लिए, अगर बच्चे का हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसके लिए प्रॉब्लम है भाई, बच्चा है तो ना तो एम्प्लॉयड होगा, और अनएम्प्लॉयड बच्चा है तो अनएम्प्लॉयड लिखने का कोई सवाल नहीं, तो इसको हम इस कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है तो यहाँ पर कोई इसका मतलब नहीं समझ में आता मुझे। ऑक्यूपेशन आगे अगर एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड में जहाँ भी जो भी टिक करना है आपको कर देंगे, उसके बाद ऑक्यूपेशन अगर वो उसका व्यवसाय कुछ है तो गवर्नमेंट जॉब वगैरह जो भी है, इसमें बहुत सारे आपको दिए गए हैं,
तो आप जो भी जिस एम्प्लॉयमेंट में है, जिस ऑक्यूपेशन में है उसका चयन कर लेंगे, जिस व्यवसाय में है उसका चयन कर लेंगे। फिर उसके बाद नीचे आ रहा है बीपीएल और एपीएल। अब बच्चा है तो वो बीपीएल एपीएल तो ये कॉलम हमारे लिए आवश्यक नहीं है। पर्सनल इनकम एनुअल ये भी कॉलम हमारे लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि बच्चा है उसकी इनकम। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि बड़ा है और जॉब कर रहा है तो उसे यहाँ पर लिखना जरूरी है कि वो एपीएल है या बीपीएल है, मतलब उसका राशन कार्ड एपीएल बनाया गया है, बीपीएल बनाया गया है, अंत्योदय बनाया गया है। अगर ये नॉट एप्लीकेबल है, अगर उसके पास कोई भी कार्ड नहीं है तो उसको नॉट एप्लीकेबल का चयन करें। उसके बाद में पर्सनल इनकम, उसकी जो भी पर्सनल इनकम है उसका चयन करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बच्चा छोटा है तो इसकी फादर की इनकम एनुअल पूछी गई है, तो फादर की इनकम मैंने पहले ही पता कर ली है। फादर की इनकम जो है वो बिलो 10,000, फ्रॉम 10,000 टू 1 लाख, 1 लाख टू 5 लाख, इसमें स्लैब है, 5 लाख से ज्यादा है तो वो स्लैब का चयन करें। अलग अलग स्लैब है, जो भी स्लैब में फादर की इनकम है उसका हम चयन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जो फादर हैं वो एक छोटा सा उनका मजदूरी करते हैं, तो यहाँ पे मैंने 1 लाख 10,000 टू 1 लाख का चयन किया। अब देखिए हम यहाँ से नेक्स्ट पेज में बढ़ जाएंगे। अगला पेज है आइडेंटिटी डिटेल्स। आइडेंटिटी डिटेल्स मतलब उसकी पहचान के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट आइडेंटिटी प्रूफ। देखिए आइडेंटिटी प्रूफ क्या रखते हैं आपको चयन करना है, आधार कार्ड, एड्रेस कार्ड, जो भी आर्म लाइसेंस, कास्ट, डोमिसाइल, बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं यहाँ पे। बहुत सारी चीजें आइडेंटिटी के रूप में आप ले सकते हैं। आपके पास जो भी आइडेंटिटी के रूप में कार्ड उपलब्ध हो आप उसी का चयन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आधार कार्ड उपलब्ध है। आधार कार्ड दोनों में यूज किया जाता है, आइडेंटिटी में भी यूज किया जा सकता है और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस प्रूफ में भी यूज किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने आधार कार्ड का चयन किया। आधार कार्ड का चयन करते हुए ही हमारे सामने एक ऑप्शन खुल के आ गया, आइडेंटिटी प्रूफ सेम एज प्रूफ ऑफ करेस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो दोनों सेम है इसलिए यहाँ पे इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही ये TIN NPR ये हमें भरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आधार नंबर पूछा जा रहा है, आधार नंबर मैं बच्चे का देख के भर रहा हूँ। देखिए आधार नंबर, आधार नंबर मैंने यहाँ पे भर दिया। यहाँ पे मैं आधार नंबर भर रहा हूँ, मैंने आधार नंबर यहाँ पे डाल दिया। फिर उसके बाद आ रहा है आई एग्री टू शेयर आधार इंफॉर्मेशन विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यस इसका इसे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, अगले जब मैं सेक्शन में गया हूँ तो लिंक आ रहा है, अगले सेक्शन में सब हेडिंग आ रही है एनी अदर स्टेट यूटीआई यूटीआईज आईडी। मतलब आपके पास अगर जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो किसी यूनियन टेरिटरी का है तो उसकी आईडी का चयन करेंगे, उस स्टेट का चयन करेंगे, वो वहां पे डाल देंगे। अगर आप यूनियन टेरिटरी से ताल्लुक रखते हैं तब, और उसकी जो आईडी है आपकी वो यूनियन टेरिटरी से जो इशू की गई है तो वहां पे हम डाल सकते हैं। यहाँ पे कैप्चा है, कैप्चा हमारे विजुअली इंपेयर्ड के लिए एक्सेसिबल है। कैप्चा देखिए कैप्चा हमारे जो विजुअली इंपेयर्ड हैं उनके लिए एक्सेसिबल है। मैंने अभी आपको कैप्चा सुना के दिखाया कि किस तरीके से एक्सेसिबल है, तो यहाँ पे देखिए मैं कैप्चा डाल रहा हूँ। जो भी कैप्चा है वो सही से डालने की जरूरत है। मैंने यहाँ पे कैप्चा डाला और कैप्चा डालने के बाद में मैंने लिख दिया यहाँ पे जो नीचे लिंक आ रहा है, आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म एंड कंडीशंस, मैं सारी टर्म एंड कंडीशंस से सहमत हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अगर आप इसको क्लिक नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। प्रीवियस में अगर आप चेक करना चाहते हैं तो प्रीवियस में क्लिक करेंगे, और कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल, लेकिन मैं इसको प्रोसीड कर रहा हूँ क्योंकि इसका डॉक्यूमेंट यूडीआईडी रजिस्ट्रेशन मैं अभी कर रहा हूँ। मैंने देखिए प्रोसीड किया, प्रोसीड करते ही मेरे सामने पूरा फॉर्म खुल गया। यहाँ पे मैं अपना पूरा फॉर्म
चेक कर सकता हूँ, जो जो भी इंफॉर्मेशन है जो गलत है उसको बैक करके मैं जा सकता हूँ, और अगर ये सही हो गया है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि कंफर्म एप्लीकेशन, एडिट एप्लीकेशन, अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, और अगर आप कंफर्म एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप उसको कंफर्म कर देंगे। तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर रहा हूँ। देखिए कंफर्म करने के बाद में बहुत सारे ऑप्शन मेरे पास खुल के आ गए हैं। एक और नया लिंक खुल के आ गया है जिसमें लिखा है हैव यू चेक्ड, मतलब आपने ये चेक कर लिया है। सबसे पहले सीरियल नंबर एक इज एप्लीकेशन फर्स्ट नेम लास्ट नेम सर नेम ओके, ये ओके है, मैं चेक कर चुका हूँ। दूसरा नेम इन रीजनल लैंग्वेज, ये भी मैंने चेक कर लिया, हिंदी में लिखा है। आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये भी मैंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सेम एज प्रोड्यूस्ड बाय द पीडब्ल्यूडी, यस, ये भी मैंने क्लिक कर लिया है। वन आर मोर डिसेबिलिटी आर सिलेक्टेड बाय द एप्लीकेशन, यस, ये भी मैंने कर लिया है। हैव ऑल द मैंडेटरी फील्ड्स, ये भी मैंने कर लिया है। इज एड्रेस फील्ड इन द एप्लीकेशन एज पर द एड्रेस प्रूफ, यस, मैंने उसी से किया है। अपलोडेड द रिसेंट फोटो इज इन पासपोर्ट साइज एंड ऑफ द सेम पीडब्ल्यूडी, ये भी मैंने कर लिया है। हैव यू चेक्ड इन द वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, ये भी मैंने चेक कर लिया है, सभी मैंने टिक कर दिया। अब मैं इसको यस कर दूंगा। जैसे मैंने यस किया सामने लिख के आ गया डाउनलोड एप्लीकेशन। अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। आपके जो फोन नंबर है उस पर भी, जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपके फोन नंबर पे भी एक मैसेज UDID कार्ड के द्वारा चला गया होगा। साथ साथ में आपकी रिसिप्ट भी आपके पास में आ गई है। रिसिप्ट को हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड रिसिप्ट लिखा है, देखिए मैंने रिसिप्ट डाउनलोड की। रिसिप्ट जैसे ही मैंने डाउनलोड की, रिसिप्ट मेरे सामने खुल के आ गई है। देखिए रिसिप्ट मेरे सामने आ गई है, ये रिसिप्ट पूरी खुल के आ गई है। देखिए इस रिसिप्ट में सारा मैं चेक कर सकता हूँ कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन भरी थी वो सही थी कि नहीं सही थी। अब इसके बाद में देखिए रिसिप्ट में बिल्कुल नीचे की तरफ जाएंगे, ये रिसिप्ट PDF में है। सबसे नीचे लिखा हुआ है फॉर इंक्वायरी प्लीज कॉन्टेक्ट, सबसे पहले स्वावलंबन कार्ड .gov.in की वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है CMO CMO LKO@UP.NIC.in, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी ईमेल एड्रेस पे आपका जो CMO है, जहां से आपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाया था, चीफ मेडिकल ऑफिसर लखनऊ, उनके पास आपका एक मेल चला गया होगा वेरिफिकेशन के लिए। UDID कार्ड रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है। जैसे ही मैंने रजिस्ट्रेशन किया, देखिए लिंक रिसिप्ट हमारे सामने आ गई है। इस रिसिप्ट में नीचे जो ईमेल दिया है, इस ईमेल पे मैसेज चला गया होगा वेरिफिकेशन के लिए। अब आपका काम ये बनता है कि आप क्या करें, आप इस रिसिप्ट को ले जाकर और अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को ले जाकर आप अपने CMO के पास में पहुंचें, और CMO के पास में जाकर वहां पे अपना जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसका वेरिफिकेशन करवा लें। ये अनिवार्य है, अनिवार्य इसलिए भी है क्योंकि CMO के पास में बहुत सारा वर्कलोड होता है, तो कभी कभी वहां से वेरिफिकेशन वो अपने आप नहीं करते हैं, वेरिफिकेशन के लिए हमें उनके पास जाना होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन लोगों के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऐसे हैं जिनकी वैधता नहीं है, बहुत सारे ऐसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो सकते हैं जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, वैध नहीं है, तो वहां पर जाके उन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में पता चलता है कि उनकी वैधता है या नहीं है। तो इसके लिए CMO जब तक वो व्यक्ति पूरी तरीके से उपस्थित नहीं होता है और अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ओरिजिनल उनके सामने रखता नहीं है, तब तक वो वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। वेरिफिकेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। वेरिफिकेशन जब तक आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आप जब भी अपने UDID कार्ड का स्टेटस चेक करेंगे तो वहां पर लिख के आएगा योर UDID कार्ड हैज बीन सबमिटेड, ठीक है, वहां पर ये लिख के आएगा। देखिए मैं फिर से होम पेज पे जा रहा हूं, मैंने इसकी रिसिप्ट से जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट में ऊपर एक एनरोलमेंट नंबर दिया हुआ है, ये एनरोलमेंट नंबर मैंने कॉपी कर लिया यहां से। हाँ एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे डेट लिखा होता है और एक टाइम लिखा होता है। इस डेट और टाइम का मतलब ये है
कि आपकी रिसिप्ट इसी टाइम जनरेट हुई है और इसी डेट में जनरेट हुई है, और साथ साथ में ये इस बात का भी प्रूफ है कि इस डेट में और इसी टाइम आपके जो सीएमओ हैं वहां पर आपका मेल यूडीआईडी कार्ड वेरिफिकेशन से संबंधित उनके पास पहुंच गया होगा। अब देखिए, मैं आया और मैं अब यहाँ पे अपना स्टेटस, अब मैंने यूडीआईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन करवा लिया, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, अब मैं अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैंने ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस में क्लिक किया और यहाँ पे लिख के आ गया ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। मैंने वहां पे अपना एनरोलमेंट नंबर डाला और एनरोलमेंट नंबर डाल के मैं चेक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अभी लिख के आ रहा है प्लीज इंटर वैलिड एनरोलमेंट नंबर, यूडीआईडी नंबर, रिक्वेस्ट नंबर। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से देखिए इसमें 16/11/9 लिखा है लेकिन ये पूरा नहीं आ पाया, इसलिए ये प्रॉब्लम हुई। मैं 9 यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे ये जो बीच में साइन है उनको हम हटा के यहाँ पे 9 डाल देते हैं। देखिए अब मैं गो करूंगा, योर एप्लीकेशन स्टेटस इज सबमिटेड, यू मे कॉन्टेक्ट टू योर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटी फॉर फर्दर एक्शन। साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको वहां पे जाना है और वहां जाके जो भी अपना डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटी है उनके पास जाके अगली प्रक्रिया के लिए वहां पे आपको फॉलो करना है। जैसे ही ये प्रक्रिया फॉलो होती है वैसे ही आपका यूडीआईडी कार्ड एजेंसी के पास प्रिंट होने के लिए चला जाएगा। अगर एजेंसी के पास प्रिंट होने के लिए गया है तो वो इंफॉर्मेशन भी यहीं पे दिखा देगा, और अगर आपका यूडीआईडी कार्ड डिस्पैच हो गया है आपके पास में तो वो भी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे दिखा देगा। कभी कभी ये होता है कि जो यूडीआईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन करवा रहा है जो व्यक्ति, उसका रिसिप्ट कहीं कहीं गुम हो जाता है और रिसिप्ट उसको नहीं मिलता। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं मेरे पास विजुअली इंपेयर्ड जिनकी रिसिप्ट गुम हो जाती है, तो उनके लिए एक सरल प्रक्रिया है कि वो अपना आधार नंबर और जो वैलिड जो मोबाइल नंबर है वो डालकर भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस तरीके से हम अपने यूडीआईडी कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगला, अगर आपका यूडीआईडी कार्ड जनरेट हो चुका है तो जनरेट करने के लिए हम हमारा जो होम पेज पे लिंक है, लिंक नंबर 5, जिसे हम डाउनलोड योर ई डिसेबिलिटी कार्ड एंड यूडीआईडी कार्ड के लिंक पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए आपका एनरोलमेंट नंबर जो आपकी रिसिप्ट में है वो एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपका जो कैप्चा है वो यहाँ पे डाल देंगे तो आपका यूडीआईडी कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और साथ साथ में अगर आप अपना यूडीआईडी कार्ड में कोई आप चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ से देखकर हम कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल के इसको आगे देखता हूँ, 16/10/2006। देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से यहाँ पे होगा, 2006 अगस्त, हाँ 16 मैंने डाल दिया यहाँ पे, 57 कैप्चा डालना है। और हमारे विजुअली इम्पेयर्ड भाई बहन कैप्चा को सुन भी सकते हैं, ये एक्सेसिबिलिटी है इसकी। देखिए अब मैंने लॉगिन किया, लॉगिन जैसे ही मैं करूँगा अभी देखिए फिर से यहाँ पे इनवैलिड नंबर आ गया है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आया है, या तो मैंने कुछ गलत चूज कर लिया है जिसकी वजह से। फिर से मैं एक बार करता हूँ, नहीं तो अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आप सभी को पता है, सीआरसी के नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी भी इनवैलिड दिखा रहा है, मुझे लगता है जो एनरोलमेंट नंबर हमने डाला है उस एनरोलमेंट नंबर में कहीं कोई प्रॉब्लम है। चलिए जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे वहां पे बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे लिंक खुल जाएंगे, जिन लिंक के जरिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपना यूडीआईडी कार्ड अपडेट भी कर सकते हैं, यूडीआईडी कार्ड
अगर यूडीआईडी कार्ड अपडेट नहीं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर आपका यूडीआईडी कार्ड नहीं बना है तभी आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका यूडीआईडी कार्ड जनरेट हो चुका है तब आप वहां पे अपडेट नहीं कर सकते हैं। तब आपके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ ही ऑप्शन है। पहला, आप वहां से अपना यूडीआईडी कार्ड अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके यूडीआईडी कार्ड में कोई समस्या है, यूडीआईडी कार्ड सही से जनरेट नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने यूडीआईडी कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर करने के अलावा कोई और हमारे पास रास्ता नहीं है यूडीआईडी कार्ड एडिट करने का। तो यह थी पूरी प्रक्रिया जिसे मैंने आपके समक्ष रखा। अगर आपको रिन्यूअल करना है तो रिन्यूअल वाले कॉलम में चले जाएंगे। अगर आपका यूडीआईडी कार्ड लॉस्ट हो गया है तो उस कॉलम में चले जाएंगे, आप दूसरा यूडीआईडी कार्ड ले सकते हैं। तो ये प्रक्रिया थी। मुझे लग रहा है कि मैंने आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उन पे जरूर प्रकाश डाला होगा और जरूर ही आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी किस तरीके से यूडीआईडी कार्ड का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, 1 बजे तक हमारा वेबिनार था। तो मैं नागेश सर से कहूंगा कि अगर कोई एक दो प्रश्न हो तो प्लीज उसको लें, जिससे कि हम आगे की तरफ बढ़ सकें। धन्यवाद सर। सर, एक अंजू गुप्ता जी का प्रश्न है, अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 2003 का बना हुआ है तो क्या वो अभी अप्लाई करने के लिए वैलिड होगा या नहीं? अंजू गुप्ता मैडम जी, आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कभी का भी हो, आप उसको अपलोड कर सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा या यूडीआईडी कार्ड के द्वारा, स्वावलंबन कार्ड gov.in की तरफ से एक बात कही गई है कि अगर 2010 के बाद के जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हैं उनके लिए वेरिफिकेशन मस्ट है, लेकिन 2010 के बाद वाले जो हैं, जो 2010, 11, 12, 13 में हैं, उनके लिए ये छूट है कि वहां पे कभी कभी वेरिफिकेशन स्वतः भी कर दिया जाता है, लेकिन 2010 से पहले वाले हैं उनके लिए वेरिफिकेशन की आवश्यकता जरूर है। वहां पे जाके आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा। नागेश सर, लक्ष्मी प्रिया मलिक जी पूछ रहे हैं, सर यूडीआईडी कार्ड एप्लीकेशन प्रोसेस सभी स्टेट में समान है क्या? बिल्कुल लक्ष्मी जी, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, योजना है। यूडीआईडी कार्ड का जो भी प्रक्रिया है, जो स्वावलंबन कार्ड.gov.in के द्वारा आप जाएंगे, प्रोसेस सेम है, प्रोसेस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। और आप कहीं बैठ के किसी भी स्टेट का यूडीआईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या कर सकते हैं, जैसे कि सीआरसी लखनऊ कर रहा है अभी। हाँ सर, राजेंद्र कुमार सर का एक प्रश्न है, सर ऑनलाइन किए 15 माह हो चुके हैं, अभी तक आया नहीं, क्या कारण होता है? आप अपना यूडीआईडी कार्ड स्टेटस ट्रैक करिए, और ट्रैक जब आप करेंगे तो वहां पे आपको जो भी स्टेटस है, मुझे लगता है कि आपका स्टेटस, मैं 100% श्योर हूँ कि आपका स्टेटस सबमिटेड आएगा। जैसे ही सबमिटेड आएगा, आपकी प्रॉब्लम मुझे समझ में आ गई, क्योंकि आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, आपका जो यूडीआईडी कार्ड का जो वेरिफिकेशन होता है वो सीएमओ के द्वारा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपका यूडीआईडी कार्ड अभी तक सबमिटेड दिखा रहा है। तो आप अपने सीएमओ के पास जाएं और वहां से जाकर यूडीआईडी कार्ड का वेरिफिकेशन जरूर करवा लें। आकांक्षा शुक्ला जी का प्रश्न है, सर क्या यूडीआईडी कार्ड मेंटल इलनेस पर्सन के लिए भी बन सकता है? अगर बन सकता है तो क्या कोई उसमें एज बार है? यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए, यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए कोई भी एज बार नहीं है, और किसी भी व्यक्ति का यूडीआईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन, किसी भी दिव्यांग जन का यूडीआईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। और अगर वो व्यक्ति समझ रहा है कि मैं दिव्यांग जन हूं तो वह भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है, लेकिन वहां पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में उससे नो क्लिक करना पड़ेगा और उसे मेडिकल असेसमेंट के लिए मेडिकल टीम के पास जाना पड़ेगा, वहां पर सिद्ध होगा सर, कि वो डिसेबल है। मेरा एक क्वेश्चन था जो कि सर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसी क्वेरी मेरे पास बहुत ज्यादा आती है सर, तो मैं पूछ सकता हूँ?
बिल्कुल हाँ सर, मेरा ये जानना है कि मुझे किस जैसे सर साइबर कैफे वालों से बाय चांस कोई डिटेल गलत फिलअप हो जाती है तो सर वो डेट ऑफ बर्थ पूरा एक बार प्रोसेस आप बता दें कि मान लीजिए किसी का जनरेट भी हो गया है पूरी तरीके से, आ गया उसका यूडीआईडी कार्ड, एक दो महीने हो गए हैं वो यूज भी कर रहा है, लेकिन अब वो उसमें संशोधन करना चाहता है तो उसकी थोड़ी सी प्रक्रिया आप बता दीजिए पूरी तरह से। यूडीआईडी कार्ड अगर जनरेट हो गया है तो उसमें एडिट का अभी कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन यूडीआईडी कार्ड अगर जनरेट नहीं हुआ है तो उसे एडिट किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि आप उसका इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चर डालेंगे, तो वहां पे अपडेट पर्सनल प्रोफाइल खुल के आ जाएगा। अपडेट पर्सनल प्रोफाइल आप कर सकते हैं और जो पहला होम पेज है वहां पे भी जो लास्ट लिंक है, छठा वाला लिंक है, वहां पे अपडेट पर्सनल प्रोफाइल है, वहां से भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर यूडीआईडी कार्ड डिस्पैच हो चुका है, बन चुका है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्रक्रिया है कि उसे सरेंडर किया जाना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप वहां पे इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, इनरोलमेंट नंबर डाल के जो डाउनलोड करने वाला ऑप्शन है वहां पे आप जाएंगे, डाउनलोड यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन है, वहां पे आप जाएंगे। जाने के बाद में वहां पे अपना एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ के बाद में जो कैप्चा है, कैप्चा डालने के बाद ऑप्शन खुलेगा जिसमें कि आएगा सरेंडर्ड योर यूडीआईडी कार्ड, तो वहां पे सरेंडर करेंगे। और सरेंडर जब भी आप करेंगे तो वहां पे वो रीजन पूछेगा कि क्या रीजन है जो आप सरेंडर करना चाहते हैं, तो वहां पे रीजन आप डाल देंगे। डालने के बाद क्लिक करेंगे तो आपकी सरेंडर रिक्वेस्ट वहां पे पहुंच जाएगी और कुछ दिनों के बाद में आपका यूडीआईडी कार्ड सरेंडर हो जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हेलो सर, एक क्वेश्चन है आपसे विकास सर। जी जी सौरभ जी, रखिए प्रश्न अपना रखिए। सर आपसे मेरी पहले भी बात हो चुकी है सर इस संबंध में, और अभी तक सर मेरी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। मेरा जो मेरा आधार कार्ड सर नंबर पड़ गया था वो तो आपने बताया वो तो सरेंडर हो गया सर, लेकिन जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट था उसमें सर उन्होंने गलती से 2 इयर्स के लिए हो गया, जबकि मेरा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सर परमानेंट है, तो वो समस्या का समाधान सर नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मैंने MSJEE में लेटर भी भेजा लेकिन अभी तक उसका कोई सर प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं आया सर। बिल्कुल सौरभ जी, आपकी मेरे से बात हो चुकी है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, ये प्रॉब्लम आपका सोल्यूशन नहीं हुआ है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम है यूडीआईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन से संबंधित जिनका प्रॉब्लम थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग पर्सनल स्तर पे भी, पर्सनल लेवल से जो आपकी एप्लीकेशन थी, जो आपकी एप्लीकेशन हमारे पास आई थी, मैंने भी आपका ईमेल यहाँ से जनरेट किया था, कि ईमेल उनको किया था, लेकिन उस पर कोई भी आंसर नहीं आया है। तो मैं निश्चित रूप से आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान करने की हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं, आप जानते हैं कि मैं उसके लिए कितना लगा रहा आपके साथ में। हाँ हाँ सर, और मानसिक रूप से मैं काफी परेशान हूं सर इस समय, मतलब वो सर, जबकि इसमें सरेंडर का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है जिसको इससे सरेंडर किया जा सके। बिल्कुल सर, मैं पर्सनली आपसे बात करूंगा, इसमें पर्सनली बात करूंगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा, समय की बाध्यता को भी देखना है। मैं आप सभी से बार बार प्रत्येक कार्यक्रम में अनुरोध करता हूं कि सीआरसी का जो हमारा संपर्क नंबर है उस सभी को शेयर किया गया है, सोशल मीडिया पे हमारे है। कृपया जो भी समस्याएं यूडीआईडी कार्ड से संबंधित आ रही है या दिव्यांगता से संबंधित आ रही है, कृपया उस पर फोन करके संबंधित विभाग में आप सभी पूछ लें। जैसे विकास सर से सर पूछ रहे थे, ऐसे ही आप लोग फोन के द्वारा अपनी समस्याओं के लिए विभागवार आप अपनी बात रख लें। कार्यक्रम 12 से 1 था लेकिन 1:28 हुआ है, समय को भी देखते हुए मैं कार्यक्रम को धन्यवाद ज्ञापन की तरफ ले चल रहा हूं, और धन्यवाद ज्ञापन हेतु आदरणीय पंकज आर्या मैम को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आए आज के कार्यक्रम में अपना धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। पंकज आर्या मैम। धन्यवाद नागेश सर, आज के मुख्य वक्ता श्री विकास सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे बीच चर्चा की, जो हमारे तमाम दिव्यांगजन भाई बहन इस यूडीआईडी कार्ड को आसानी से बनवा पाएंगे,
तथा उससे प्राप्त होने वाले अनेकों लाभ उठा पाएंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा मैं आज के मुख्य अतिथि श्री कमलेश कुमार वर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। सर आप हमारे बीच आए और इस कार्यक्रम को यूडीआईडी कार्ड के बारे में जानकारी बताएं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगी पीडीयू एनआईपीपीडी की डायरेक्टर श्रीमती स्मिता जयावंत मैम का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को कराने के लिए अपना बहुमूल्य समय देकर हमारा मार्गदर्शन किया, जिससे हम लोग इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से कराने में सक्षम हो पाए। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सीआरसी लखनऊ के डायरेक्टर श्री रमेश पांडे सर का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने में हमें अपना पूरा सहयोग प्रदान किया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी समन्वयक टीम श्री राजीव रंजन सर, श्रीमती सविता मैम और श्री नागेश पांडे सर का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने में व पूर्ण रूप से सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग प्रदान किया। सर और मैम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा मैं धन्यवाद देना चाहूंगी इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागीगण का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में जुड़कर कार्यक्रम को सफल बनाया। हम आगे भी यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग ऐसे ही हमारे कार्यक्रम में जुड़ें और कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी मदद करें, और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाता है उसका लाभ हमारे दिव्यांग भाई बहन जरूर ले पाएंगे। जैसा कि आज का हमारा यह कार्यक्रम यूडीआईडी कार्ड बनवाने व उससे मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी दिए गए, मैं पुनः कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व वक्ता को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सभी का सादर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सीआरसी लखनऊ की रचनात्मक गतिविधियां निरंतर आप सभी के समक्ष लाई जा रही हैं और निरंतरता के साथ ये गतिविधियां आप सभी के समक्ष आती रहेंगी। आप सभी अधिक से अधिक अपने जुड़ाव को सुनिश्चित करें। जुड़ाव के पश्चात आप सभी से आशा की जाती है कि आप हमारे द्वारा दिए जा रहे फीडबैक फॉर्म को विधिवत भरें, जिससे हम आप सभी का सर्टिफिकेशन समय कर सके। आप सभी दिव्यांगजनों के कुशल हितार्थ और दिव्यांगजनों के प्रशिक्षणार्थ उन तक सीआरसी लखनऊ की इन तमाम गतिविधियों से मिलने वाली शिक्षाओं को, प्रशिक्षणों को पहुंचाने में हमारी मदद करें, जैसा आप निरंतर करते आ रहे हैं। इन्हीं भावों के साथ आप सभी को सादर धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। सभी को सादर प्रणाम। सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं। प्रणाम सर।